हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इस नल फंक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर। तो ये देखिए, ये मेरा यहाँ पे और ईएमपी टेबल है, यहाँ पे sql.emp और ये सारा रिकॉर्ड है। तो इस नल फंक्शन का यूज होता है नल जो वैल्यू होता है उसको हैंडल करने के लिए। तो नल की जगह कोई और वैल्यू, जो भी अल्टरनेटिव वैल्यू है, उसको आप डाल सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे इतना सारा कॉलम है, यहाँ पे एक कमीशन कॉलम है, ठीक है, यहाँ पे एक नल और यहाँ पे। तो नल की जगह कभी कभी क्या होता है कि नल देखने में अच्छा नहीं लगता है, तो कोई नल की जगह आप कोई और वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इस नल फंक्शन के बारे में, तो कैसे नल को हैंडल करते हैं यहाँ पे इस नल फंक्शन। तो यहाँ पे और ये क्यूरी है, ठीक है, यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कीजिएगा तो ये सारा और रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे देखिए EMP, अगर आपको यहाँ पे ये क्वेरी को आपको जनरेट करना है तो यहाँ पे और आप राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट टॉप 1000, ठीक है, तो ये क्वेरी आपको ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, ऑटोमेटिकली ये जनरेट हो गया है यहाँ पे, इसको कैंसिल कर देते हैं ये वाला पे। तो यहाँ पे इस नल फंक्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सिर्फ मॉडिफिकेशन यहाँ पे करना है, जैसे यहाँ पे डीबीटी नंबर के बाद में यहाँ पे हम कॉमा दे देते हैं, उसके बाद इस नल फंक्शन का यूज कर रहे हैं। देखिए, इस नल फंक्शन यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे कौन से कॉलम पे अप्लाई करना है इस नल फंक्शन, तो कॉम है, यहाँ पे बहुत सारा नल है, तो यहाँ पे हम और कॉम कॉलम को दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू हम इसमें 0 डाल देंगे, ठीक है, उसके बाद 0 डाल देंगे। उसके बाद फ्रॉम DW, तो ये डेटाबेस का नाम है यहाँ पे, और ये इतना टेबल का नाम है, ठीक है। तो इसको अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक नया कॉलम जनरेट हो गया, ठीक है, जहां जहां देखिए यहाँ पे नल है तो यहाँ पे ये 0 दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे 300 है तो इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। उसके बाद यहाँ पे देखिए नल है तो यहाँ पे 0 दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पे ये 0 दिख रहा है, जहां जहां पे नल है वहां पे 0 सेट हो गया। आप यहाँ पे 0 के अलावा और भी कोई नंबर डाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे 1 डालते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ अच्छा ये नाम अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप कॉलम एलियास का यूज कीजिए, एज यहाँ पे कमीशन, ठीक है। अब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं, ये देखिए कमीशन यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए, जहां जहां नल है वहां पे 1 सेट हो गया, ठीक है, यहाँ पे नल है 1, ये सब यहाँ पे नल है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। आप 0 डाल सकते हैं यहाँ पे, अगर 0 डालेंगे तो यहाँ पे 0 डिस्प्ले होगा और कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू आप डाल सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से नल को हैंडल किया जाता है इस नल फंक्शन का यूज करके, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है, चलिए एक और एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल हम दिखा रहे हैं। अच्छा, एक चीज, यहाँ पे अगर ऑर्डर बाई में अगर डालना चाहते हैं, ठीक है, कि डीपीटी नंबर के ऑर्डर बाई में ये डिस्प्ले हो, सबसे पहले डीपीटी 10 का जो है वो डिस्प्ले हो, तो इसके लिए आप यहाँ पे इंक्लूड कर दीजिए ऑर्डर बाई, उसके बाद डीपीटी नंबर, तो असेंडिंग ऑर्डर में ये डिस्प्ले होगा। तो ये देखिए 10 है, ये सर ये 3 जो है ये नल, तो नल की जगह यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 20 के लिए यहाँ पे नल है तो 1 आ गया, 1400 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। अब यहाँ पे चलिए दूसरा एग्जांपल यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट, उसके बाद यहाँ पे तो हम यहाँ पे एग्रीगेटर फंक्शन हम यूज कर रहे हैं सम, ठीक है, सम एग्रीगेटर फंक्शन है। उसके बाद यहाँ पे इज नल फंक्शन का यूज कर रहे हैं। उसके बाद जब कमीशन, ठीक है, कॉम है, कॉम जब भी कॉम में, जब वहां पे जैसे यहाँ पे कॉम में अगर जहाँ पे नल मिलेगा, ठीक है, तो वहां पे ये 100 ऐड कर देगा, ठीक है, आप 100 ऐड कर सकते हैं, 200 ऐड कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम कॉमा दे देते हैं, उसके बाद यहाँ पे एक कॉलम सेलेक्ट करते हैं डीपीटी नंबर, उसके बाद यहाँ पे फ्रॉम डीपीटी नंबर हो गया,
उसके बाद नीचे जा रहे हैं यहाँ पे फ्रॉम, उसके बाद यहाँ पे एस्कॉर्ट डॉट emp टेबल से, उसके बाद यहाँ पे और एस्कॉर्ट डॉट emp टेबल से, उसके बाद यहाँ पे हम ऑर्डर वाइज दे देते हैं डीपीटी नंबर। तो यहाँ पे जहां जहां इसको नल मिलेगा वो 100 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इनवैलिड सिलेक्शन एग्रीगेटर फंक्शन। अच्छा यहाँ पे देखिए, जब भी आप यहाँ पे कोई भी एग्रीगेटर फंक्शन देंगे तो उसको या फिर यहाँ पे पहले की एक वीडियो बनाया था, यहाँ पे एग्रीगेटर फंक्शन यहाँ पे होना चाहिए या फिर ग्रुप बाय डालना। चलिए इसको हम ग्रुप बाय में डाल दें, ग्रुप बाय, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप बाय हम डीपीटी नंबर डाल देते हैं, ठीक है। अब इसकी चलिए इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ग्रुप, तो जहां जहां इसको नल मिला, ठीक है, जैसे हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे और यहाँ पे तो ये देखिए यहाँ पे और डीपीटी 10 है, कितने बार है, 3 बार है। तो यहाँ पे ये तीनों नल मिला है, ठीक है। तो नल मिला है तो इसको 100 से ऐड कर दिया गया, तो यहाँ पे आउटपुट और डिस्प्ले हो रहा है 300। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है 300। अब 20 के लिए हम चलते हैं, चलिए इसके लिए क्या एग्जीक्यूट करते हैं। तो 20 के लिए यहाँ पे एक नल है, 2, 3, 4 और यहाँ पे 5 नल इसको मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे सम, तो जहाँ जहाँ उसको नल मिला उसको ने ऐड कर दिया 100 को, तो यहाँ पे देखिए 500 डिस्प्ले है। उसी तरह से 30 के लिए उसके बाद एग्जीक्यूट करें, तो ये देखिए यहाँ पे 30 में 1400 है। उसके बाद यहाँ पे इसको और नल मिला यहाँ पे 14 प्लस 3 17 प्लस 500, ठीक है। तो 22 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 2200 हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक नल मिला, उसके बाद यहाँ पे एक और नल, तो दो नल मिला यहाँ पे, तो 2400 यहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले हो गया 2400 यहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले हो गया। तो इस तरह से आप हैंडल कर सकते हैं नल को। तो यहाँ पे आप सम कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, मैक्स मीन जो आपको क्वेरी में जो भी सुटेबल होगा आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है यहाँ पे, अगर आपको नल यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड है वहाँ पे आपको नल अच्छा नहीं लगता है डिस्प्ले करना, तो यहाँ पे आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं, 0 डाल सकते हैं। तो ये आपको क्यूरी लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो जो नल है यहाँ पे, तो इस तरह से ISNULL फंक्शन का यूज होता है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा और समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, देखते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।